हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मशीन को, ये जो निरमे से धागा बार बार टूटता है, उसको बताएंगे कि ये क्यों टूटता है और नीचे हमारा कभी कभी धागा फंसता है कई बार, तो वो क्यों फंसता है। तो सबसे पहले देखिए, हमें एक तरीका हम आपको बताएंगे कि हमें बिना मशीन खोले ही ये किस तरीके से हम धागा, अगर इसमें फंसा हुआ है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा धागा इसमें फंसा हुआ था, को हमने निकाल दिया है। और भी अगर कोई गंद कचरा है तो इससे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं बिना मशीन को खोले। अगर धागा वगैरह है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसकी हम दूसरी टिप्स बताएंगे आपको कि अगर नीचे की तरफ धागा फंसता है तो सबसे पहले इसे खोल लें, इन्हें किस पेचकस वगैरह से खोल लें, दोनों बुल्टों को, इसको और इसको। अभी देखिए, दोनों बुल को हमने खोल लिया और उसके बाद में इसको हम निकाल लेंगे और इसे हम खोल लेंगे। इसे पूरे को खोल लेंगे और इसे भी खोल लेंगे यहां से, और इसके बाद इसे निकाल लेंगे इससे। और देखिए, यहाँ पर ये जो है हमारी, ये खरोंच बन जाती है, ये बिल्कुल पैने हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा नीचे धागा फंसता है बार बार। तो इसकी इस नोक को हम इस तरीके से सेट कर लेंगे, ये पेपर लेंगे, इससे हम इस तरीके से इसे सेट कर लेंगे। देखिए, ये हमने नोक को खत्म कर दिया, इस नोक की वजह से ही ये नीचे की तरफ धागा फंसता है। और यहाँ पर देखिए, हम सुई की नोक से इसे गन को निकाल लेंगे। इस तरीके से, और इसे कपड़े से साफ कर लेंगे। और इसे भी हम साफ कर लेंगे यहां से। और देखिए, इसे हमें इसी तरीके से लगाना है, ये हमारी बाहर की तरफ रहती है, तो ये भी हमारी बाहर की तरफ रहेगी। इस तरीके से इसे रखेंगे और इसके ऊपर इसे रखेंगे और फिर से हम इसे रखेंगे, इसे अच्छे से सेट करके रख लेंगे और इसे बुल को यहाँ पर कस देंगे। इसे टाइट से कर लेंगे इस तरीके से, और इसमें तेल डाल लेंगे, ये अपना ऑयल, मशीन में डालने वाला ऑयल है, इसे डाल लेंगे। अब देखिए, इसको हम पोंछ लेंगे यहाँ से। ये देखिए, गंद निकलती है इसमें, सुई की मदद से हम धागा निकालेंगे, जो धागा उड़ जाता है इसमें, इसे साफ करेंगे बिल्कुल। देखिए, बहुत गंद निकलती है इस जगह पर। मैं जल्दी जल्दी अपनी मशीन को साफ करती रहती हूँ, इस वजह से ज्यादा गंद नहीं है, नहीं काफी गंद निकलती है। आप देखना इसे एक बार ट्राई करके, इस जगह पर बहुत गंद निकलती है। और फिर से अच्छे से इस तरीके से कर देंगे। अभी देखिए, नीचे से हमने इसे कर लिया है और इसके बाद इसे लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से ये बिल्कुल सेट आना चाहिए और इन बुल्टों को कस देंगे। देखिए, इसे हम अच्छे से टाइट कर लेंगे दोनों बुल्टों को। अगर ये जरा से भी लूज रह जाते हैं तो ये हमारी चीज हिल जाती है और इसकी वजह से हमारी निडल यानी सुई टूट जाती है। तो इसे अच्छे से टाइट कर लें, ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अगर ये हिल जाए तो 100% सुई टूट ही जाती है। तो सबसे पहले इसे टाइट कर लें। देखिए, ये हमारी बिल्कुल सेट लग चुकी है इस तरीके से। अब इसके बाद आएंगे हम इस जगह पर, जब हमारा यहाँ से धागा लूज या टाइट होता है तो इसे हम खोल लेंगे और इसे भी साफ करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से भी कभी कभी धागा खिंचाव मान के टूट जाता है।
इन्हें हम अच्छे से साफ कर लेंगे पोंछ के बाद, और इसकी इस जगह को साफ कर लेंगे। अब देखिए इनको लगा लेंगे और फिर इसे लगा लेंगे इसकी गूंज को। और ये जितना हमें धागा नीचे की हमारी फिरकी का है उतना ही इसे कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रखें। अब देखिए इसे खोल लेंगे हम यहाँ से। ये देखिए हम पूरा नहीं खोलेंगे बिल्कुल, थोड़ा खोलेंगे और इस तरीके से इसे हटा लेंगे और इसे भी साफ करेंगे यहाँ से, और इसे भी साफ कर लेंगे। ये हमारा गज वगैरह जो भी है इसमें, इसे अच्छे से साफ करेंगे। देखिए बहुत गंद निकलती है जिसकी वजह से हमारी मशीन अच्छे से नहीं चल पाती है। और इसमें सारे में हम तेल डाल लेंगे ताकि ये अच्छे से बिल्कुल आवाज भी ना करेगी, बिल्कुल अच्छे से सेट होके चलेगी इस तरीके से। और मशीन में हमें कितनी जगह तेल डालना होता है ये हम आपको बताएंगे। इसमें हमें तेल डालना है, ये देखिए इसकी ये मेन चीज है, ये जो चल रही है इस पर हमें जरूर तेल डालना चाहिए वरना ये जल्दी खराब हो जाती है। इसको खोलने के बाद इस जगह पर हमें तेल जरूर डालना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर तेल डालेंगे तो बिल्कुल भी हमारी मशीन आवाज नहीं करेगी, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से चलेगी। ये हम पूरी जगह से इसे अच्छे से साफ करेंगे। और इसे फिर से लगा देंगे और इसे टाइट कर देंगे। इसे हमने अच्छे से टाइट कर लिया है और इसमें हमने तेल डालने का तरीका आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम मशीन को इस तरीके से नीचे से करेंगे और देखिए जितने भी हमारे पुर्जे हलते हैं नीचे की तरफ उनमें सब में हमें तेल डालना है। अब देखिए जितने भी हमारे पुर्जे हल रहे हैं इनमें सब में हमें तेल डालना है। इन जगह पर तेल डालने से बिल्कुल भी मशीन आवाज नहीं करती है। देखिए इनको हमने पूरे तरीके से पूरे में तेल को डालना है, एक भी पुर्जा छूटना नहीं चाहिए। हल्का हल्का तेल हमें इनमें से भी डालना है और इसे घुमाते हुए इसमें भी थोड़ा सा डाल लेंगे और पीछे की तरफ भी हमारे पुर्जे हैं उसमें डालेंगे और इस पे यहाँ पर भी डालेंगे। देखिए यहाँ पर हमें जरूर तेल डालना चाहिए, इस जगह पर हमें तेल जरूर डालना चाहिए। देखिए इस पर हमने यहाँ से तेल को इस तरीके से डाल लेंगे और इसे खोलेंगे। ये हल्का सा लूज करेंगे और इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ घुमा लेंगे, इसे पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। और देखिए ये हमारे पुर्जा हैं इन पर तेल जरूर पहुंचना चाहिए। ये मशीन जब सूखी चलाते हैं तो जल्दी खराब होती है बिना ऑयल के। इन जगहों पर देखिए ये खुलने के बाद ही इन जगहों पर तेल पहुंचता है, इसे खोल कर तब यहाँ पर इसे इस तरीके से डाल लें और फिर इसे अच्छे से इसी तरीके से सेट कर देंगे। अभी देखिए हमने पूरे में तेल डालने का तरीका बता दिया है और इसे हमने तीन चार तरीके से आपको बता दिया कि हमारी निडल का धागा क्यों टूटता है और धागे को हमें कम ज़्यादा अपने हिसाब से रखना होता है और यहाँ पर जरूर डालना होता है ताकि किसी में इलझे ना। और ये हमारी चाल है, इस चाल में भी तेल जरूर डालना चाहिए, रेगुलर नहीं कभी कभी जरूर डालना चाहिए, इससे हमारी चाल की सही रहती है। और ये हमारे पूरे तरीके से हमने आपको बता दिया है, अब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब ये हमने आपको सारी टिप्स बता दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।